वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त सबका आता है, किसी का थोड़ा तो किसी का ज़्यादा, पर यही बुरा वक्त हमें ज़िंदगी जीना सिखाता है। ज़िंदगी में कितना भी बुरा वक्त आए मगर हौसला बनाए रखना, क्योंकि वक्त बुरा है ज़िंदगी नहीं, और बुरा वक्त है ना तो निकल भी जाएगा। दोस्तों नमस्कार। एक्चुअली मैं ये वीडियो ना, मैं बड़े कन्फ्यूजन में था कि ये वाली वीडियो मैं बनाऊं या ना बनाऊं, इस वाली वीडियो को अपलोड किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि ये वीडियो ना एक्चुअली मैं, जैसे आप लोग सब जानते हो कि मैं कोरोना पॉजिटिव था, मेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव थे, मेरे मदर और मेरे फादर, तो मुझे वो एक्सपीरियंस शेयर करना था। तो मुझे लग रहा था कि नहीं बनाते हैं यार, फिर मुझे लगा नहीं, ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों ने मुझे इस कोरोना टाइम से, इस कोरोना बीमारी से, इस पेंडेमिक टाइम से, इस सिचुएशन से, जो लाइफ में मैंने कभी नहीं देखी इस तरह की सिचुएशन, उससे बाहर निकलने में मदद की। तो ज़रूरी है उन सब लोगों को थैंक्स बोलना, ज़रूरी है उन लोगों के बारे में बात करना, ज़रूरी है ये वीडियो इसलिए भी बनाना और इसलिए भी अपलोड करना कि भगवान ना करे अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो किस तरीके से वो इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने मेरी और मेरे परिवार की इस कोरोना टाइम से बाहर निकलने में मदद की। दोस्तों जैसे मैंने कहा कि बुरा वक्त सभी का आता है, तो हमारा भी आया। पेंडेमिक टाइम था, मेरे ख्याल से शायद ही कोई घर बचाओ जिसमें इस वक्त बुरा वक्त ना आया, तो हमारा भी आया। और वो डेट थी 24th of April 2021। 24th of April 2021 को मेरे फादर साहब को फीवर आना शुरू हुआ, क्योंकि मैंने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर्स ने यही बोला था कि भाई इस टाइम पे अगर बुखार हो रहा है तो दिस इज़ नॉट गुड, और आप लोग कोरोना की दवाई उनको देना शुरू कर दीजिए और एक अलग से उनको आइसोलेशन रूम में रख लीजिए। तो हमने भी वही किया, डॉक्टर्स की हमने सलाह मानी और उनको एक अलग रूम हमने दे दिया। 24th को ही हमने एक अलग रूम उनको प्रोवाइड करा दिया, और जो दवाइयाँ डॉक्टर्स ने हमें बताई जैसे मल्टीविटामिन और विटामिन सी, जिंक, नॉर्मली आजकल सब लोग जानते हैं उन दवाइयों के बारे में, वो दवाइयाँ हमने उनको देनी शुरू कर दी। 2-3 दिन हमने वेट किया और 26th को हमने उनकी RT-PCR का टेस्ट कराया। 28th को उनका रिजल्ट आया जो कि पॉजिटिव था, बीच में बुखार उनका टूटा भी नहीं था। तो यहाँ तक ये थी हमारे फादर की कि उनको पॉजिटिव ऑलरेडी हो चुके थे। अब बात ये थी क्योंकि मैं अपने फादर के साथ में रहता हूँ, मदर उनके साथ में हैं, ठीक है, तो कोर्ट हम इकट्ठे ही जाते हैं, मैं और मेरे फादर साहब एक ही गाड़ी में, तो मुझे लगा भाई मुझे भी पॉजिटिव हो सकता है, और क्योंकि मदर एक ही रूम में है उनके साथ में तो उनको भी पॉजिटिव हो सकता था। तो हमने क्या किया, मैंने और मेरी मदर ने भी अपना टेस्ट, हमने 28-29 को हमने अपना टेस्ट कराया और उसका रिजल्ट आया 2nd को शाम को उसका रिजल्ट आया, और हम भी उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोस्तों कहानी ना यहीं ख़त्म नहीं होती, यहाँ से तो कहानी शुरू हुई है। अब 2nd की शाम को तो रिजल्ट आया जो मैंने बताया कि मेरे और मेरे मदर का, अब हम 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। मगर 2nd की सुबह एक ट्रेजेडी और हुई मेरे साथ में, मेरी फैमिली के साथ में, मेरी वाइफ के साथ में। मेरी वाइफ को 2nd की सुबह 4:30 बजे पैरालिसिस का एक अटैक आया लेफ्ट हैंड साइड पे, और इट वाज रियली वेरी पेनफुल और शॉकिंग था हम सबके लिए, क्योंकि शी इज़ वेरी मच हेल्दी और हमें लग ही नहीं रहा था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। इवन दो हमने उनको, मैंने अपनी वाइफ को और अपने दोनों बच्चों को अपने से और अपने मदर फादर से बिल्कुल एकदम अलग कर दिया था। वो ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे और मैं वो फर्स्ट फ्लोर पे थे और मैं फर्स्ट फ्लोर के एक रूम में था और मेरे मदर फादर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थे, ताकि इसीलिए कि भाई उनको भी कोरोना ना हो। मगर 2nd की सुबह सुबह उसको पैरालिटिकल अटैक आ गया और वहाँ से शुरुआत हुई कि भाई अब तो सिचुएशन बहुत बिगड़ गई थी घर की, क्योंकि अब सभी लोग, मेरे बच्चों को छोड़ के सभी लोग हम बीमार थे, वी वर इल ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। वो कहते हैं ना कि दुनिया में ना अच्छे लोगों की कमी नहीं है, और ये मुझे ना इस कोरोना टाइम में बिल्कुल समझ में आ गया कि अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। 4:30 बजे जब उसको पैरालिटिकल अटैक आया, तो मुझे सबसे पहले याद आई हमारे एक फैमिली मेम्बर हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर योगेंद्र, मैं उनका नाम ज़रूर लूँगा, क्योंकि डॉक्टर योगेंद्र ने जितना साथ मेरा इस टाइम पे दिया,
शायद ही किसी और ने दिया हो। तो मैंने 4:30 बजे डॉक्टर योगेंद्र को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि घर में ये वाली दवाइयाँ रखी हैं, तो जो दवाइयाँ उन्होंने बताई बाई लक वो दवाइयाँ घर में थी। उन्होंने बोला फटाफट अभी दवाइयाँ दो, किसी भी हालत में इसको किसी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में लेके जाओ। मैंने अपनी वाइफ को दवाइयाँ दी जो उन्होंने बताई, और मैं उनको नज़दीक में ही एक नर्सिंग होम मुझे मिल गया, क्योंकि उस टाइम पे हॉस्पिटल्स मिलने बड़े मुश्किल थे सुबह के, क्योंकि कोरोना टाइम था और कहीं पे भी नॉर्मल पेशेंट्स का एडमिशन बड़ा मुश्किल हो रखा था। तो मैं 4:30 बजे के आसपास उनको लेके गया, तो मुझे एक नर्सिंग होम मिल गया वहाँ पे, उनका मतलब फर्स्ट एड उनको वहाँ मिल गई। मैं उनको वापस घर पे ले आया, मगर शाम होते होते मेरी वाइफ की तबीयत और ख़राब होनी शुरू हो गई। अब मैं उनको बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल्स में लेके गया, मगर हर जगह हमें एक ही जवाब मिला कि ये कोरोना हॉस्पिटल है, हम इनको एडमिट नहीं कर सकते हैं जब तक इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आएगी। अब कहीं पे भी उनको एडमिशन नहीं मिला। मैं वापस उनको घर लेके आया, मगर शाम हो चुकी थी, तबीयत तो उनकी और डिप होती जा रही थी, तबीयत बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा था बल्कि ख़राब होती जा रही थी। और टाइम ऑन टाइम, मिनट ऑन मिनट, सेकंड ऑन सेकंड, मैं हर चीज़ की खबर डॉक्टर योगेंद्र के साथ में शेयर कर रहा था, और वो हर बार मुझे हर तरह से गाइड मुझे कर रहे थे कि बेटा इस टाइम ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है। शाम होते होते जब तबीयत ज़्यादा डाउन होने लगी, तो डॉक्टर योगेंद्र ने मुझे बोला कि तू घर लेके चल, मैं घर पे सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ। डॉक्टर योगेंद्र ने घर पे ही सारी दवाइयाँ मुझे बताई और कि ये वाली दवाइयाँ का इंतज़ाम करो। घर पे ही उन्होंने फिर एक लड़के को इंतज़ाम कराया जो घर पे आया, और घर पे ही मेरी वाइफ को जो भी दवाइयाँ वो दे सकते थे थ्रू इंजेक्शन और थ्रू वेंस, तो वो सारा कुछ उन्होंने वहाँ पर प्रोवाइड कराया। तो आई मस्ट से थैंक यू वेरी मच अंकल, थैंक यू वेरी मच योगेंद्र अंकल। और जब वो चीज़ें प्रोवाइड हो गई, मेरी वाइफ को दवाइयाँ प्रोवाइड हो गई, मेडिसिन हेल्प उनको मिल गई, तो मेरी वाइफ की हालत थोड़ी सुधरनी शुरू हो गई। तो मैं तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट डॉक्टर योगेंद्र को ही दूंगा कि उन्होंने मेरी वाइफ को उस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाला जहाँ मुझे लग रहा था कि नहीं, अब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो सकती है। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर योगेंद्र, थैंक यू वेरी मच अंकल जी। अब ये तबीयत ख़राब क्यों हुई मैं बताता हूँ, मेरी वाइफ की, जो मुझे लग रहा है कि भाई मेरे फादर साहब की भी और मेरी मदर की भी, क्योंकि मैंने बताया कि कोरोना उनको था, इवन दो आई एम नॉन सिम्टमेटिक कोरोना पॉजिटिव, सेकंड को मेरी रिपोर्ट आ गई थी पॉजिटिव हूँ मैं, मगर मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे मतलब, और मैं नॉन सिम्टमेटिक रहा हूँ और हम लोग सब अब ठीक हो चुके हैं। और मेरे फादर साहब की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो 2-3 रात से हम लोग सोए नहीं थे, ना मैं ना मेरी वाइफ, क्योंकि उनको खांसी ज़्यादा थी, नमोनिया उनको हो गया था। तो हम पूरी रात उनके रूम के बाहर, या तो मैं बैठा होता था या मेरी वाइफ बार बार उनको जाके देखती रहती थी, और क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं मान के चल रहा था कि मैं भी पॉजिटिव ही होऊंगा, तो उनको दवाई वगैरह सब मैं ही दिया करता था अपने फादर साहब को, क्योंकि मैं जागता रहता था तो मेरी वाइफ भी जागती रहती थी अपने रूम में। हम लोग बैठ के बातें करते रहते थे आमने सामने से, मतलब वो रूम के बाहर और मैं रूम के अंदर। तो वो 3-4 रात हम जागे थे, तो उस वजह से उसकी तबीयत शायद वो थोड़ा टेंशन ले गई, या थोड़ी मतलब हेल्थ उसकी थोड़ा इशू आ गया, और उस वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो ये बड़ा गंदा टाइम था। मेरे मदर फादर को ठीक करने में भी डॉक्टर योगेंद्र का बहुत हाथ है। टाइम ऑन टाइम उन्होंने हमें गाइडेंस दिया कि भाई अब क्या क्या दवाइयाँ इनको देनी है, कैसे देनी है। तो अब हम लोग सब ठीक हैं, हम लोग रिकवर हो चुके हैं इससे। जिस दिन मेरी वाइफ को स्ट्रोक आया, तो हमारे एक मित्र हैं, मेरे क्लाइंट भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, मिस्टर रोबिन लाडवाल, मैं नाम ज़रूर लूँगा, दो ब्रदर हैं मिस्टर रोबिन लाडवाल और मनीष लाडवाल। तो उनको जैसे ही पता लगा कि घर में ये सिचुएशन है, सब लोगों को कोरोना हो रखा है, वाइफ की तबीयत ख़राब है, तो क्योंकि मेरी वाइफ की जो सैचुरेशन था वो भी थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो गया था, और हार्ट बीट भी उसकी काफ़ी कम जा रही थी उस पर्टिकुलर सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि तबीयत काफ़ी डाउन थी सेकंड को उसकी शाम के टाइम पे। तो मेरी बात हो रही थी रोबिन लाडवाल जी से, तो उन्होंने बोला कि उनके पास में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो घर पे पहुँचा रहे हैं। इवन दो वो दोनों भाई रोबिन लाडवाल और मनीष लाडवाल दोनों खुद कोरोना पॉजिटिव थे, रिकवर कर चुके थे, 10 दिन के आसपास उनको हो चुका था कोरोना, हुए रिकवरी मोड में थे, बावजूद इसके उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को मेरे घर पे पहुंचाया। खुद मनीष लाडवाल मुझे वो देने आए, और
वो जब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मेरे घर पे पहुंचा तो एक राहत की चीज़ ये थी कि भाई अगर इनके साथ अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो अब एक एक्चुअल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मेरे घर पे था, मेरे पास में था, वो ऑक्सीजन में दे सकता था अगर किसी को भी जरूरत पड़ती है तो। वाइफ को तो खैर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, मगर मेरी मदर को पड़ी, क्योंकि आने वाले वक्त में मेरी मदर की तबीयत बड़ी ख़राब थी, उनका सेचुरेशन डाउन हो रहा था, काफ़ी डाउन हुआ, 89-86 के आसपास उनका सेचुरेशन गया था, और तब उस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ने मेरा बहुत साथ दिया और वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मेरे बहुत काम आया। तो मैं ज़रूर रोबिन लाडवाल और मनीष लाडवाल को थैंक यू बोलना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच रोबिन जी एंड मनीष जी, क्योंकि आप जैसे लोग हैं तो तभी हम लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल के आए हैं। ये जो मदद थी उस टाइम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, बहुत बड़ी मदद थी, क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन ना तो सिलेंडर मिल रहे थे, ना कहीं पे बेड मिल रहे थे, और सबको बताया ये तो वो है ना कि भाई जग जाहिर है कि उस टाइम सिचुएशन क्या थी। उस टाइम पे रोबिन लाडवाल और मनीष लाडवाल ने मुझे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देके बहुत बड़ी मदद की, और सिर्फ यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात नहीं है, मोरली उनका सपोर्ट मेरे साथ में बहुत था। रोज़ मुझसे 3 से 4 बार वो बात किया करते थे और हमेशा यही बोलते थे कि अगर किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो मैं उनको बताऊं। तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर रोबिन एंड थैंक यू वेरी मच मिस्टर मनीष। अब मेरी मदर का सैचुरेशन पॉइंट ठीक होना शुरू हो गया था, थोड़ा थोड़ा ठीक होना, इम्प्रूव होना शुरू हो गया था, मैं ये कहना चाहूँगा। उधर मेरी वाइफ ने भी थोड़ा सा अपने आप को रिकवर करना शुरू कर दिया था, मेरे फादर साहब भी रिकवर हो रहे थे। इसी बीच में रोबिन लाडवाल जी के फादर साहब को फीवर आया और उनके फादर साहब की भी सैचुरेशन थोड़ी सी डाउन जाना शुरू हो गई, इट विल गो लाइक के 91-90 के आसपास, तो सैचुरेशन टाइम उनका सैचुरेशन आना शुरू हो गया। उनसे मेरी बात हो रही थी तो मैंने बोला कि नहीं, अब आपको इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ मैं इसको आपके पास में पहुँचाता हूँ। उन्होंने मुझे मना भी किया कि नहीं, वो कहीं और से इंतजाम कर लेंगे, मगर क्योंकि उस टाइम अंकल की तबीयत भी मुझे लग रहा था कि उनको कंसंट्रेटर की जरूरत पड़ ना जाए, मैंने वो कंसंट्रेटर उनके घर पर पहुँचाया, मतलब उनके पास तक मैंने उनको वो पहुँचाया। और अब समस्या ये थी कि मैं मदर के लिए दूसरा कंसंट्रेटर कहाँ से इंतजाम करूँ, तो हमारे मेरे मामा जी के दोस्त, मैं उनको मामा जी बोलता हूँ, श्री सतपाल चौहान जी, मैंने उनको फ़ोन किया कि मुझे कंसंट्रेटर की ज़रूरत है, आप प्लीज़ मुझे वो कंसंट्रेटर प्रोवाइड करवाइए किसी के थ्रू। तो वो बोले चलो ठीक है। मैंने उनको बोला था कि हमारे यहाँ के जो MLA थे, दिल्ली सरकार की एक योजना थी कि भाई घर घर कंसंट्रेटर वो पहुँचा देंगे, तो मैंने बोला था कि वो MLA उन्हीं के पड़ोस में ही रहते हैं, कि आप उनसे बात करके वो पहुँचाइए। मगर वो है ना कि अच्छे लोग हैं, तो अच्छे लोगों की कमी नहीं है, और जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे काम करते ही रहते हैं। तो उन्होंने अपने किसी रिलेटिव के यहाँ से एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उठाया और मेरे घर पे उस कंसंट्रेटर को पहुँचाया, क्योंकि मेरी मदर को अभी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। तो थैंक यू वेरी मच मामा जी, सतपाल मामा जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की उस पर्टिकुलर टाइम पर। तो मुझे थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए ऐसे लोगों को, और इस वीडियो में मुझे बताना चाहिए कि जब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे ना, तो इस पैंडेमिक टाइम से, इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। और अगर हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं तो ये सिचुएशन कुछ भी नहीं है, इससे बाहर निकलना बहुत ईजी है, मगर हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। अब एक समस्या और थी कि खाना बनाएगा कौन, क्योंकि मैं, मेरी मदर और मेरे फादर, हम लोग कोरोना पॉजिटिव, और मेरी वाइफ को ऑलरेडी स्ट्रोक आ चुका था, तो अब खाना बनाएगा कौन। बच्चे भी थे घर में, 2 बिटियां हैं मेरी, तो उनको भी खाना खिलाना था, तो अगर बाहर से मंगाए तो डेली उनको भी बाहर से नहीं खिला सकते थे। तो इसका जिम्मा, पूरे खाने का जिम्मा, पूरे परिवार के खाने का जिम्मा उठाया मेरे 2 दोस्तों के परिवार ने, तरुण और ज्योति के परिवार ने, और राहुल और शशि के परिवार ने। तो उन्होंने जो खाना हमें भेजा, सच में मैं बड़ी तारीफ़ करूँगा, मेरे हर एक परिवार के मेंबर ने उस खाने की तारीफ़ की है, दोनों मतलब ज्योति, तरुण और राहुल और शशि ने जो खाना हम लोगों के लिए भिजवाया, तकरीबन 20-25 दिन उनके यहाँ से मेरे घर पर खाना आया। तो एक जो डाइट एक्चुअली में हम लोगों को उस टाइम जो मिलनी चाहिए थी, वो पूरी की पूरी डाइट उन्होंने हमें दी है। खाने में हर चीज़ हमारे लिए हुआ करती थी, मतलब जो एक उस टाइम एक पेशेंट को मिलना चाहिए वो सारी चीज़ें पर्टिकुलर वो हुआ करती थी। इवन ज्योति और शशि फ़ोन करके भी पूछ लिया करते थे कि भाई बच्चों को क्या पसंद है, तो बच्चों के लिए अलग से खाना आया करता था। इवन आइसक्रीम्स बच्चों के लिए आई, तो मीठा
दही, ड्राई फ्रूट्स, मतलब हर चीज़ हुआ करती थी, मतलब यू नेम एनीथिंग और वो खाने में सारा कुछ हो जाया करता था। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच ज्योति एंड तरुण, थैंक यू वेरी मच शशि एंड राहुल, बहुत कुछ किया है तुम लोगों ने, सिर्फ खाने की बात नहीं है, मॉरल सपोर्ट बहुत रहा है आप दोनों की तरफ, आप दोनों परिवार की तरफ से। सो अगेन थैंक यू वेरी मच, और याद रहेगा यार ज़िंदगी भर, है ना। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे एक इंसान को और थैंक्स बोलना चाहूँगा, उनका यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा, उन वो हैं हमारे मित्र हैं सुनील खत्री जी। तो खत्री जी अपना एक ना खत्री मेडिकल स्टोर के नाम से मेडिकल स्टोर चलाते हैं नरेला में झंडा चौक पे, और इनका नाम लेना इसलिए ज़रूरी है कि जिस भी लाइफ सेवर दवाई की मुझे ज़रूरत पड़ी नरेला जैसे शहर में, उन्होंने वो प्रोवाइड कराई। चाहे वो मैंने रात को 2 बजे उनको फ़ोन किया, रात के 12 बजे फ़ोन किया, सुबह 4 बजे फ़ोन किया, जिस भी वक्त मैंने उनको फ़ोन किया वो दवाइयाँ उन्होंने प्रोवाइड कराई। तो सुनील भाई थैंक यू वेरी मच आपकी सपोर्ट के लिए, और खाली दवाइयों की बात नहीं सुनील भाई, आपने जो मॉरल सपोर्ट मुझे दी है जब भी मेरी आपसे बात हुई है, आपने हमेशा मुझे बोला कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और हमेशा ही आप पॉजिटिव बातें करते हो, आपका व्यवहार बड़ा अच्छा है, और बहुत सपोर्ट मिली मुझे आपकी तरफ से भी कि भाई दवाइयों की चिंता मत करना, दवाइयाँ टाइमली पहुँच जाएंगी आपके घर पर। और हुआ भी वही कि जो भी दवाई मैंने आपको बताई, शायद ही कोई ऐसी दवाई हो जो आपने मुझे मना की हो, चाहे आपके पास हो या आपको कहीं बाहर से मंगानी पड़ी हो, आपने वो दवाइयाँ मेरे लिए प्रोवाइड कराई हैं, मेरी फैमिली के लिए प्रोवाइड कराई हैं। थैंक यू वेरी मच सुनील भाई। तो यहाँ ना एक बड़ी चीज़ ये है कि मदद करते रहो एक दूसरे की, तो कितने भी बड़ी समस्या वो हल हो जाती है। मैंने देखा भी वही और अब सीखा भी वही है कि भाई मदद करो तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं है, वो बहुत छोटी समस्या आपको नज़र आएगी और वो बाहर निकल जाएगा, कोई भी उससे बाहर निकल सकता है। मैं भी अब कोरोना से बाहर निकल चुके हैं हम लोग, मेरे मदर भी, मेरे फादर भी, मेरी वाइफ भी रिकवर हो चुकी है काफ़ी हद तक, और अब सब कुछ ठीक है कुल मिला के। और थैंक यू ईच एंड एवरी वन, मैं दोबारा थैंक यू बोलना चाहूँगा डॉक्टर योगेंद्र को, अंकल जी थैंक यू वेरी मच, रोबिन जी, मनीष जी थैंक यू वेरी मच, सतपाल मामा जी थैंक यू वेरी मच, सुनील भाई थैंक यू वेरी मच, तरुण, ज्योति थैंक यू वेरी मच, राहुल एंड शशि थैंक यू वेरी मच। और खाली यही लोग नहीं, वो हर एक दोस्त, वो हर एक इंसान जिन लोगों ने किसी भी तरह की मुझसे सपोर्ट की हो, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, फ़ोन पे बात करके हो, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे वक्त में मेरी मदद करने के लिए। तो दोस्तों एक दूसरे की मदद करते रहो, डॉक्टर की सलाह मानते रहो, तो ये कोरोना कोविड कुछ नहीं है, इससे आप आराम से बाहर निकल आओगे। लाइटली मत लेना इन चीज़ों को, थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा पेनफुल हैं चीज़ें, तो कभी भी लाइटली मत लेना, और जैसे ही इस तरह की कुछ चीज़ें होती है, भगवान ना करे किसी के साथ हो, आप प्लीज़ अपने डॉक्टर के टच में आए और उनसे सलाह कीजिए, और आराम से उनके तरीके से जैसे वो बताते हैं वैसे करते रहिए। और दोस्तों एक दूसरे की मदद ज़रूर करना, तभी हम एक दूसरे को बचा पाएंगे। होप दोस्तों वीडियोज़ आपको पसंद आए होंगे, मेरे वीडियोज़ तो आपको खैर पसंद आते ही रहते हैं, और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। और कोविड से बचाव के लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि डॉक्टर्स की जो भी एडवाइस हो उनको फॉलो कीजिए, दवाइयाँ टाइम पे लीजिए, जो दवाइयाँ वो कहते हैं वो दवाइयाँ लीजिए, डाइट बड़ी अच्छी रखिए, प्रोटीन डाइट बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन डाइट आप अच्छा रखें, इसमें खाना नहीं छोड़ना है, मतलब कुल मिला के अपने आप को हाइड्रेट रखिए, जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तकरीबन 5 से 6 लीटर पानी पीता हूँ डेली, और उस टाइम पे जब कोरोना मुझे हुआ था मैंने और भी ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट किया था, बहुत ज़्यादा पानी में पिया करता था, तो डॉक्टर ने मुझे तभी बोला कि तब तुम्हारे अंदर सिम्टम्स भी तभी नहीं दिखाई दिए क्योंकि तुम पानी बहुत ज़्यादा पीते हो। तो मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए। कोरोना के बाद में एक ये है कि भाई छोटी मोटी चीज़ें, मतलब लेट से अगर मैं अपने मदर फादर की बात करूं तो छोटा मोट मतलब खांसी और वीकनेस, ये तो खैर अभी है उनमें, ठीक है टाइम के साथ साथ वो भी ठीक हो जाएगा। तो डाइट बहुत ज़रूरी है, अच्छी डाइट लीजिए, डॉक्टर्स की सलाह को फॉलो कीजिए, और घबराना नहीं है दोस्तों, ये छोटी मोटी चीज़ें, बाहर निकल जाओगे इनसे, ठीक है। तो देखते रहिए फूडी विक्की, मिलते हैं कहीं और अच्छी जगह पर, अब तो लॉकडाउन खुल चुका है तो बनाते हैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए,
दिखाते हैं आपको कुछ, या तो कहीं घुमाने लेके चलते हैं या फिर कुछ अच्छा खिलाने लेके चलते हैं। तो देखते रहिए फूडी विक्की, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे और भी वीडियोज़ आपको अगर पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल वीडियोज़ को लाइक कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और देखते रहिए फूडी विक्की। थैंक यू, मिलते हैं दोस्तों दोबारा।